आज का वरदान शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। स्थित हो जाए, देह से उपराम शक्ति स्वरूप लाइट माइट स्थिति में स्वयं विघ्न हरता सर्वशक्तिमान शिव बाबा अपनी शक्तियां हम सब ब्राह्मण आत्माओं को प्रदान कर हमें अपने समान विघ्न विनाशक बना रहे हैं। फील करें शिव बाबा से निकलती किरणों को जो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की समर्थी दे रही है। हर समस्या को समाधान में परिवर्तन करने की शक्ति दे रही है। संगम युग पर हम सब शिव शक्ति पांडव सेना के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, क्योंकि स्वयं विश्व परिवर्तन करता सदा हमारे साथ है। पवित्रता के सागर शिव बाबा ने हमें पवित्रता के बल से अंधकार को प्रकाश में, दुख को सुख में, अशांति को शांति में, हर नकारात्मक वृत्ति को सकारात्मकता में परिवर्तन करने के ज्ञान योग रूपी अस्त्र शस्त्र दिए हैं। दिव्य शक्तियां दी हैं। इमर्ज करें अपने शिव शक्ति स्वरूप को। और संगठित रूप में एक साथ एक रस एकाग्रता से एक की याद से लगन की ऐसी अग्नि प्रज्वलित करें
आंतरिक पवित्रता के बल से ऐसी पवित्र ज्वाला जला दे जिसका प्रकाश, जिसकी शक्ति समस्त वायुमंडल को प्रकृति के तत्वों को आत्माओं की वृत्तियों को शुद्ध कर दे तत्वों में और मनुष्य आत्माओं के मन के भावों में परमात्मा ज्योति की आभा फैला दे अनुभव करे संगठन के इस किले की रूहानी शक्ति को हर मन के अंतर से निकलते विजय के एक शुद्ध संकल्प को कोई विकल्प नहीं, कुछ व्यर्थ नहीं, निश्चित विजय है हमारी। एक ही समय पर चारों ओर ये विजय का नगाड़ा, ये शुद्धि की विधि हर मुश्किल को आसान, हर पर्वत को राई, हर मायावी अग्नि को शांत कर रही है। और संगठन के किले को और मजबूत कर सभी को सर्व कार्यों में निर्विघ्न बना रही है।